तकरीबन बहुमत का आंकड़ा पार कर चुका है और हमारे साथ मौजूद हैं मिशा भारती। आइए हम बात करते हैं। मिशा जी, सबसे पहले आप लोगों को बधाई। मैं आपका बधाई स्वीकार करती हूँ, लेकिन ये बिहार की जनता का, खास करके जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, जिस तरह के भाषा का प्रयोग कर रहे थे, खास करके महिलाओं के लिए और अपशब्द का प्रयोग मेरे लिए भी उन्होंने किया। हम लोगों ने इससे सब, जहाँ भी मैं सभाएं करने गई वहाँ पे हमारे लोगों ने इस बात को उठाया, खास करके जो नौजवानों को उन्होंने लोकसभा चुनाव के समय ठगने का काम किया, जिसमें महंगाई का इशू था, ये सब मुद्दे छोड़ करके हमारे प्रधानमंत्री जी और तंत्र मंत्र, जादू टोना और इस तरह की बात करते थे। कहीं ना कहीं ये बातें बिहार की जनता को पसंद नहीं आई, उनकी प्रधानमंत्री से अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा थी और वो कहीं ना कहीं एक विकास के मुद्दे से वो भटक चुके थे। और ये मैं इसको बिहार की जनता की जीत इसको बताती हूँ, और ख़ास करके नौजवानों की, महिलाओं की और जो पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित, सब ने हमें वोट दिया, नहीं तो इतनी सीटें मुश्किल थी। सुबह में जब ट्रेंड बढ़ रहा था एनडीए की तरफ, तो आप लोगों को क्या लग रहा था? बिल्कुल ही नहीं, हम लोग जैसे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि हमें 190 सीट आएगा, तकरीबन कहीं ना कहीं हम 165 प्लस अभी हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग उसको टच कर रहे थे और हम लोग पहले से कॉन्फिडेंट थे। चाहे वो मेरे भाइयों के बारे में जिस तरह का प्रश्न आज भी मीडिया, अभी भी, जबकि वो कोई 15,000 से कोई 16,000 से लीड कर रहा है, फिर भी मीडिया के कुछ लोग आज ये डिस्कशन कर रहे हैं कि शायद दोनों आगे पीछे हो रहे हैं। तो खैर, हमें इस तरह की बातें सुनने की आदत हो गई है मीडिया की तरफ से, हमें उस पर कुछ नहीं कहना है।